करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम के सभागार में सहकारिता दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कराया गया। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विशेष तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को साकार किया जा सकता है। कृषि उत्पादन क्षेत्र में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए हैफेड द्वारा हर जिले में बाजार खोले जाएंगे। इन बाजारों में डेयरी के उत्पाद के साथ साथ हैफेड द्वारा रोजमर्रा की प्रयोग होने वाली वस्तुओं को रखा जाएगा। वीटा के बूथों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी उपायुक्तों को लिखा गया है। इन बूथों पर न केवल दूध उत्पादक बल्कि सब्जी व फल भी बेचे जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले सभी को 55वें सहकारिता दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत सहकारिता का झंडा लहराकर व रिबन काटकर की गई और मंत्री व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया तथा सहकारिता के प्रसंग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ऑडियो संदेश भी सुनाया गया तथा सहकारिता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की लघु फिल्म दिखाई गई। उन्होंने कहा कि सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जो हर व्यक्ति को समृद्ध बना सकता है। इसके लिए सभी को जरूरत है कि वह समृद्धि का संकल्प लेकर सहकारिता को विकल्प माने तो विकास संभव है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में उत्पादन की मार्केटिंग, किसानों के लिए दूध उत्पादन का बाजारीकरण एक आय का अच्छा माध्यम है। इसके लिए सरकार द्वारा कम ऋण पर अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सहकारिता के 8 फेडरेशन हैं, जो कि विभिन्न माध्यमों से आम आदमी की आय स्रोत को बढ़ाने में सहयोग करता है। उन्होंने कहा कि हैफेड का नाम पूरे देश में है, उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और लोग उस पर विश्वास भी करते हैं। उन्होंने कहा कि शुगर फेड के माध्यम से न केवल चीनी बनाकर घाटे को पूरा किया जा सकता है, इसके लिए परिवर्तन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा कैथल, पलवल और महम चीनी के साथ साथ गुड़ व शक्कर बनाने का काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि शाहबाद में इंथॉल बनाने का कार्य शीघ्र शुरू होगा और कैथल शुगर मिल भी बाइपिन ब्रिकेटिंग बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए किसानों से 120 रुपए प्रति क्विंटल पराली खरीदी जाएगी। किसानों को इसका आर्थिक लाभ होगा, वहीं प्रदूषण में भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को गन्ने की पेमेंट समय पर दे रही है। इतना ही नहीं, किसानों की गन्ने की उत्पादन क्षमता अधिक हो, इसके लिए अच्छी किस्म की फसल का उत्पादन भी गन्ना विकास योजना द्वारा किया जा रहा है। राज्य स्तरीय प्रदेश सहकारी दिवस पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो सहकारिता दिवस उसके तहत आज जितने भी हमारे विभाग हैं, चाहे वो फेडरेशन से, चाहे शुगर फेड है, डेयरी फेड है, या आपका हरको बैंक है, जितने भी हमारी फेडरेशन हैं, उनमें जो जो कार्य होते हैं वो सब लोगों को बताएंगे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो किसानों की आय दुगना करने का 2022 का टारगेट रखा है, वो मुझे लगता है कि सहकारिता आपके जरिए ही पूरा किया जा सकता है। क्योंकि किसानों को, जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, या पशुधन के साथ हम अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा सकते हैं और जो अपनी आय बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो सर, किसान किस तरह से लाभ ले सकेंगे? किसानों को जो हमारी योजनाएँ, जैसे बैंक से ऋण है, या आपके सब्सिडीज हैं खाद बीज पर, और जो भी जैसे दूध के ऊपर, डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दूध के ऊपर जैसे किसानों को 5 रुपये जो अप्रैल से सितंबर के महीने में इंसेंटिव मिलता है, ये कई जो स्कीम्स हैं उनसे किसानों को फायदा होता है। सर, 26-27 नवंबर को किसान कृषि विरोध जो बिल है, उसके विरोध में किसान दिल्ली कूच करेंगे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो नियम बने उनके बारे में बात करें जी, कृषि के देखो, ये किसानों के हक में है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाए हैं, देश जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाए हैं, ये किसानों के, जो विपक्ष कह रहा था कि ना मंडी रहेंगी ना MSP रहेगी, तरह खरीदा भी जा रहा है और किसानों को एक अलग
ऑप्शन मिल रहा है, अल्टरनेटिव मिल रहा है कि वो अपनी फसल को किसी दूसरे जगह बेच सकता है। मंत्री जी, ऐसे कौन कौन से चीनी मिल है जिनमें गुड़ बनाया जा रहा है? अभी इस साल से हम बनाएंगे मैन, पलवल और कैथल में, इन तीनों में हम गुड़ और शक्कर बनाने जा रहे हैं और वो मेरे ख्याल से दिसंबर के एंड तक हम उसको शुरू करें। सर, आम जनता के लिए कैसे मिलेगा ये, आम जनता कैसे ले सकेगी इसको? भी हम रिटेल जो है आपके लिए, आप डिपार्टमेंटल स्टोर हैं या आउटलेट बनाएंगे उनके जरिए उपलब्ध हो सकते हैं। सर, कोरोना की जो किसी ने चलिए एक बार फिर दिल्ली NCR की बात करें, हरियाणा की बात करें, कई जिलों में फिर से रफ्तार पकड़ी है। कई कोरोना अब सर्दी के जो मौसम है इसमें थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और जो देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील करते हैं कि भाई 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी और सैनिटाइजेशन का प्रयोग करना, ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तभी ही इस महामारी से बच सकते हैं। और मैं भी अपील करता हूं कि हमें कोरोना का देखते हुए इन सभी आदेशों की पालना करनी चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। ऐसी ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.